गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज़ क्लास सेवन्थ होम साइंस क्लास एंड वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 टुडे. दिस चैप्टर इज़ अबाउट डिजीजेज रिलेटिंग टू डाइजेशन. डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी लाइफ में, उनके बारे में वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. द फूड वी इनटेक प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी आफ्टर द सेम इज़ डाइजेस्टेड. ये सबको पता है कि जैसे ही हम फूड लेते हैं, वो डाइजेशन के बाद में क्या होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. द फूड हेल्प्स इन आवर ग्रोथ एंड सेव्स अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. आफ्टर वी टेक इन द सॉलिड फूड पार्टिकल दैट इज़ ब्रोकन डाउन इन सिंपलर एंड सॉल्युबल केमिकल सब्सटेंसेस. हम सॉलिड्स लेते हैं, बट जब हम उनको चबाते हैं और उनमें क्या होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर से ही मिक्स होते रहते हैं और उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं. द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर एंड ऑफ सर्टेन ग्लैंड्स विच पोर देयर जूसेस इनटू इट. दिस लॉन्ग ट्यूब इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. और इस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. बिगनिंग एट द माउथ एंड एंडिंग एट द रेक्टम और एनस, जो कि मुँह से शुरू होकर के रेक्टम तक जाती है. द फूड कॉन्टेंट्स आफ्टर ग्राइंडिंग कटिंग एंड चर्निंग आर प्रॉपरली मिक्सड विद सलाइवा एंड देन इट रिचेज द ऑइसोफेगस इन अ पल्पी फॉर्म. और ये ऑइसोफेगस तक एक पल्पी फॉर्म में पहुंचता है. द वॉल्स ऑफ द ऑइसोफेगस फर्दर मिक्स म्यूकस इन द फूड टू मेक इट मोर स्मूथ. और वहाँ पर इसमें म्यूकस मिक्स हो जाती है और जिससे कि ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है. दस थ्रू पेरिस्टाल्टिक वेव्स द फूड रिचेज द स्टमक वेयर द मेन डाइजेस्टिव मैकेनिज़म ऑफ द फूड बिगिंस. और यहाँ पर जो डाइजेशन का मेन मैकेनिज़म है वो स्टार्ट हो जाता है, मेन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. व्हेन आवर डाइजेस्टिव प्रोसेस बिकम्स डिस्टर्ब वी कैन नॉट डाइजेस्ट आवर फूड इन अ प्रॉपर मैनर एंड व्हेन दिस कंडीशन इज़ प्रोलॉन्ग्ड वी बिकम ग्रिपी बाई मेनी डिजीजेज. अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम्स होती है इस पूरे प्रोसेस में, तो हमारा डाइजेशन जो होता है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है. और हम किसी भी चीज़ का डाइजेशन जब प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हम रहेंगे और भी कई सारी बीमारियां यहाँ से हमें शुरू हो जाती हैं. जैसे आप देख लो कि कौन सी बीमारी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. नंबर वन, लूज़ मोशन. इनके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले तो लूज मोशन्स में अकर व्हेन द फूड इज़ ओवर फ्राइड और स्टेल और द सेम इज़ ईटन इन एक्सेस क्वांटिटी. जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खा लो, ओवर फ्राइड कोई भी चीज़ें खा लो, तो आपको लूज मोशन्स की शिकायत हो सकती है. सिम्टम्स क्या हैं? मोशन्स आर लूज एंड यूजुअली ग्रीनिश और येलोइश इन कलर. पेन इन द स्टमक, फीलिंग ऑफ पासिंग स्टूल अगेन एंड अगेन. और इनका ट्रीटमेंट क्या है? टेक एनी सीड, कोरिएंडर एंड क्यूमिन सीड इन इक्वल क्वांटिटी एंड मिक्स देम इन साल्ट. गिव दिस मिक्सचर टू द पेशेंट थ्राइस अ डे. द चिल्ड्रन शुड बी गिवन द मिक्सचर ऑफ ORS अवेलेबल ऑन केमिस्ट शॉप. फिर आपका इफ देयर इज ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ पासिंग स्टूल, द पेशेंट शुड बी गिवन द मिक्सचर ऑफ अनारदाना, एनी सीड, कोरिएंडर एंड शुगर कैंडी थ्राइस अ डे. The patient should be given khichdi which he can easily digest. और जब भी loose motion की problems आपको देखने मिले, आप उस मरीज को, उस patient को खिचड़ी खिलाइए, दलिया खिलाइए, इस type की smooth चीज़ें आप उसको खिलाइए. Second is dysentery. This is an infectious disease caused due to an amoeba. There is the feeling of pain in dreadful ट्विस्टिंग इन इंटेस्टाइन नियर नावल. और एक ऐंठन जिसको आप बोल सकते हो, ऐसे फील होता है पेट में. सिम्टम्स क्या हैं? परसिस्टेंस फीलिंग ऑफ पेन इन द स्टमक, डिजायर ऑफ पासिंग स्टूल अगेन एंड अगेन, रिलीज ऑफ म्यूकस वाइल पासिंग स्टूल. व्हेन द डिजीज इज प्रोलॉन्ग द रिलीज ऑफ ब्लड अलॉन्ग विद द स्टूल. तो हल्का सा म्यूकस भी इसमें पास होता है स्टूल के साथ में. तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर,
फूड शुड बी केप्ड सेफ फ्रॉम डस्ट एंड इंसेक्ट्स. इसबगोल हस्क विद कर्ड शुड बी टेकन थ्राइस अ डे. पेस्ट मेड ऑफ कोरिएंडर मिंट एंड एनी सीड शुड बी गिवन टू द पेशेंट. थर्ड इज कॉन्स्टिपेशन. When there is a great difficulty in process of passing stool, one is said to be suffering with constipation. The main reason क्या क्या है इनके? Careless eating habits से होती हैं ये, कि आपका timing ना सही हो तो कब्ज की शिकायत हो जाती है. तो symptoms हैं इसकी great difficulty and pain while passing stool, improper hunger and gastric trouble, bad smell from the mouth, body becoming लेजी. तो ये सारे कब्ज है अगर आपको तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ट्रीटमेंट क्या है? स्क्वीज अ लेमन एंड मिक्स द जूस इन वन ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर टू बी ड्रंक अर्ली इन द मॉर्निंग. त्रिफला पाउडर शुड बी टेकन ड्यूरिंग नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. हैवी कंजप्शन ऑफ जूस फ्रूट्स एंड लिफी वेजिटेबल्स. ड्रिंक रेजिन मिक्स बॉइल्ड मिल्क. रेजिन मिक्स हुआ आप में दूध पिए बॉइल्ड. और फोर्थ प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है स्टमक एक. कई लोगों को पेट दर्द की शिकायत रहती है. और इनके क्या सिम्टम्स हैं? द मेन सिम्टम्स ऑफ स्टमक एक फीलिंग ऑफ हैवीनेस इनसाइड द स्टमक. फ्रीक्वेंट पेन इनसाइड द स्टमक. रह रहे कि दर्द उठता है. ट्रीटमेंट क्या है? टेक लाइट एंड डाइजेस्टिव फूड. डू नॉट टेक फूड ड्यूरिंग नाइट. टेक सॉल्ट एंड ड्राइड जिंजर विद ल्यूक वार्म वाटर एट लीस्ट थ्राइस अ डे. टेक लेमन जूस मिक्स विद सॉल्ट एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. टेक वन स्पून ऑफ विनेगर मिक्सिंग इन अ कप ऑफ वाटर. लास्ट है आपका हुक वॉर्म्स. तो द मेन रीजन्स ऑफ फॉर वॉर्म्स इन साइड द स्टमक आर ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर. सबसे पहले तो पॉल्यूटेड वाटर ड्रिंक करने से प्रॉब्लम होती है. ईटिंग अनवॉश्ड वेजिटेबल्स एंड ईटिंग ऑफ क्ले बाय द चिल्ड्रन. और बच्चे जो क्ले वगैरह खाते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है. सिम्टम्स क्या हैं इसके? Skin of the body become yellowish, feeling of pain in the head and stomach, saliva coming from the mouth. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं. ऑन ट्रीटमेंट वॉट इज़ द ट्रीटमेंट? द पेशेंट शुड बी गिवन ड्राइड और फ्रेश सीड्स ऑफ पपाया आफ्टर ग्राइंडिंग. बाई बादाम एंड ड्राइड स्किन ऑफ ऑरेंज. ग्राइंडिंग शुड बी गिवन टू द पेशेंट एट लीस्ट थ्राइस अ डे. दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ हुक वॉर्म्स जिससे पेट के कीड़े वगैरह मर जाते हैं. सो दिस वॉज अबाउट अ चैप्टर डिजीजेज रिलेटिंग टू डाइजेशन. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम्प्लीट इट्स एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन एंड आंसर. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर एंड गुड बाई.